हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, तो इस टाइम मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए अपने हस्बैंड के लिए। तो मैं अभी बना रही हूँ आलू। इस टाइम पे आलू के अंदर मैं सब चीज़ डालने वाली, मैगी मसाला और लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और सब हरी मिर्च और ये डाल के अच्छे से भून लूँगी। और दूसरी तरफ मैं बच्चों के लिए सैंडविच बनाऊँगी ताकि बच्चों का भी ब्रेकफास्ट हो सके। Thank you.
पे मैं आ गई हूँ। फिर मैंने यहाँ पे बीटरूट को, मेरे पास जो मिनी ब्लेंडर है उसके अंदर मैंने बीटरूट को बिल्कुल बारीक बारीक कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे तेल में इसको फ्राई कर देने वाली हूँ अच्छे से, और ताकि अच्छे से भुन जाए। और मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ पनीर, और ये सब दोनों मिक्स करके थोड़े थोड़े मैं इसमें मसाले डालूंगी। ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी मैं, हल्दी, नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर, और थोड़ा सा आई थिंक मैगी मसाला भी थोड़ा सा ऐड किया था। और ये सब चीज़ें मिला के, और मैं इसके लिए मैं पूड़ी बनाने वाली हूँ। और मैं वैसे बनाने वाली थी आज पराठा, बट मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, साइनस की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी, मुझे हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा पूरी चलो जल्दी से बन जाएगी। अभी पराठे के लिए तो क्या है, किचन में खड़ा रहना पड़ता मुझे, और साथ के साथ बना के रखना पड़ता, फिर बनाना पड़ता, फिर वो करना पड़ता। तो इसलिए मैं पूरी बनाने के लिए मैं अंदर चली गई थी, ताकि मुझे थोड़ा सा हवा वगैरह लगती रहे और मेरी तबीयत नॉर्मल रहे, ठीक रहे, क्योंकि गर्मी की वजह से मेरे साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे पनीर वगैरह ऐड कर दिया है, और ये बच्चों को ये पूरी और पनीर, ये वैसे बीटरूट बच्चे खाते नहीं है, बहुत नाक लगाते हैं कि नहीं खाना हमें बीटरूट, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। अगर मैं ऐसे बनाती हूँ तो बच्चे पराठे, पूरी और इडली में भी डाल के बनाती हूँ तो ऐसे खा लेते हैं, उनको अच्छे लगते हैं बीटरूट और पनीर के साथ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को बीटरूट, कैरेट और कैसे ना कैसे मैं उनको खिला सकूँ, तो मेरा यही तरीका उनको खिलाने का। तो अगर आपके भी बच्चे अगर नहीं खाते तो आप इसी तरीके से उनको दे सकते हैं, ताकि बच्चे इजीली खा सके और हेल्दी फूड भी हो सके। तो बच्चों को सारा बीटरूट है, जिनको हीमोग्लोबिन इनकी कमी होती है, बीटरूट, कैरेट, जिनकी आइज वीक होती है, आप कैरेट दे सकते हो ऐसे करके, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो यही ट्राई करती हूँ कि मेरे बच्चे खा सके कैसे भी करके, चाहे रूप कैसा भी हो। तो यहाँ पे मैं रूम के अंदर आके और फिर पूड़ियाँ बना रही थी उनको भर के, और मैं इनको एक कपड़े से ढक दूँगी यहाँ पे इस टाइम पे। और थोड़ा सा जो मसाला बच गया था, एक्चुअली क्या है, जो सैंडविच बना रही थी मैं उस टाइम पे ये थोड़ा मसाला बच गया था कैबेज वाला, और ये तो मैंने इसकी भी दो पूड़ियाँ बना के रख दी। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ। वेलकम टू बैक माई चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 1, तो मैंने काम तो कंप्लीट कर लिया है, नहा धो ली मैं, बस खाना बाकी है, मुझे खाना खाना है। तो जैसे कि मैंने पूड़ी वगैरह ये बताया है, तो मैंने पूड़ी बनाई थी और पूड़ी खाऊंगी, और मैं कर्ड खाना चाहती थी बट कर्ड मैं खा नहीं सकती, मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है, तो मैं कर्ड तो नहीं खाऊंगी। और पूड़ी है, थोड़ा सा पिक्कल लूँगी, क्योंकि पिक्कल कभी कभी मन करता है मुझे कि हाँ अचार खाऊं या ऐसी, तो मैं कर्ड नहीं खा सकती। ऐसे पूड़ी या पराठे के साथ मैं कर्ड खाती हूँ, तो अभी बस यही खाने वाली हूँ। और मेरे हस्बैंड को तो मैंने सॉरी मैं चम्मच कैसे डाल दिया। और अभी इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। और आलू खा के कैसा लगा? पूड़ी खा के अच्छा लगा, ओके। थोड़ी सी मिर्ची है, मैंने मिर्ची कुछ नहीं डाली, ब्लैक पेपर डाला था पूड़ी में और कुछ डाले नहीं। एक मिनट आई मैं, तो अभी मैं खाने वाली हूँ। तो मैं तो अभी एसी में नहीं जाने वाली, थोड़ी देर बाद में जाऊँगी, क्योंकि अभी मैं नहा के ही हूँ, तो तुरंत जाना फिर इसका मतलब। ये लो, चलो आप हैंड वॉश कर लो, हैंड वॉश लगा लो अच्छे से। तो अभी बस वो खाना खाया है छोटा वाला, और अभी देखो नहाते पसीना भी आने लग जाता है, पता नहीं क्या है। तो अभी ये काम हो गया कंप्लीट, और बस कपड़े वगैरह है वो तय करने हैं, बाकी और काम हो गया। और उसके अलावा और मैं आज दवाई लेने वाली हूँ एलर्जी की। एक्चुअली यार रात को भी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, और अभी भी हो रहा है मुझे, तो मैं मेडिसिन लेके फिर रेस्ट करूँगी। और तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ एक चीज़ और बताइएगा कि मेरे वीडियोज़ में कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगता है, जो मैं कुकिंग करती हूँ या मैं फैशन वीडियोज़ डालती हूँ या अदर व्लॉगिंग करती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ पहले, और मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।